हम तुम्हारे साथ। मंच पर मेरा थोड़ा गला खराब है, हाँ जेलना पड़ेगा जेलना। आप ऐसी जगह मत करो, मंच पर बैठे सब हमारे साथीगण आए हुए, हमारे बहने बच्चिया और शहरवासी, मेरी उम्र 76 साल है, भाई बोलूंगा, बहने बोलूंगा, बेटिया बोलूंगा, बहू। आज तूफान ओमी कालानी के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है, इतनी भीड़ भाड़ ओमी कालानी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने ओमी कालानी से, मुझे सजा होने की वजह से मैं खुद खड़ा नहीं हो सकता हूं, टेक्निकली मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, तो ओमी कालानी को मैंने असेंबली विधानसभा की इलेक्शन में खड़ा किया है। खड़ा करने से पहले ओमी कालानी से दो वादे लिए हैं मैंने। ओमी कालानी को मैंने कहा है कि 45 साल से मैं शहर के लोगों के साथ में हूं, मेरी इज्जत में कभी भी कोई कमी नहीं आई और शहरवासियों ने कभी भी कालानी परिवार को टूटने नहीं दिया। उसके दो कारण है और वो दो बातों को अगर तुम मानते हो तो तुम इलेक्शन में नीचे उतरो। तो दो बातें मैंने ओमी कालानी से लिए हैं, एक तो जात पात को नहीं देखना है, दूसरी बात मैंने उसको बताया मेरी शाहूकारों से कभी पट्टी नहीं, आपको काम करना होगा, आपको काम करना होगा गोर गरीब लोगों के लिए जिनको जरूरत है। शाहूकार लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे देकर कहीं भी पढ़ाई करवाते हैं, शौका लोग के घर में कोई बीमार पड़ता है तो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में उनको लेके जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट होती है। गोर गरीबों का कौन, लोग गोर गरीब लोग बीमारी से कम डॉक्टर के बिल से ज्यादा मरते हैं। तो दो बातें मैंने उन्हीं से वादा लिया है, एक तो जात पात को नहीं देखना और दूसरी बात काम करना है तो गोर गरीब लोगों के लिए करना है। ये दो बातों ने जब ओमी ने मुझे गारंटी दी है तो मैंने ओमी को इलेक्शन में उतारा है। आप लोगों को याद होगा वो जमाना जब मैं नगर अध्यक्ष था, ये बस्तियां मेरे सामने बसी हुई है, लोग आते थे कहते थे ये झोपड़ा बन रहा है, ये इलीगल बन रहा है, मेरे पास लोग बहुत सारे लोग कंप्लेन लाते थे। मैं एक ही बात उनको कहता था, पप्पू कालानी अगर महल में रह सकता है तो गोर गरीब लोग क्या झोपड़े में भी नहीं रह सकते हैं क्या? मैंने कभी कभी किसी को घर से बेघर नहीं किया। पुराने लोग भी बैठे हुए जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, हमारे दोस्त लोग भी है, हमारी बहनें भी बैठी हुई है पुराने, बाकी पीछे की तो उतनी नजर नहीं जा रही है क्लियर, उन सबको मालूम है कि मैंने किसी को भी घर से बेघर नहीं किया। आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, मैं महल में रह सकता हूं, आप झोपड़े में नहीं रह सकते, आपको अधिकार नहीं है। मैं इंसान हूं, आप इंसान नहीं है। तो मैंने किसी की सुनी नहीं और उल्टा जैसे आपकी बस्तियां बैठती गई, आप लोगों को याद होगा कि पानी आपके घर तक कभी नहीं आता था, लाइट नहीं थी वो जमाने में, यहां पर लाइट देना और घर घर तक पानी पहुंचाना, वो टाइम पे बोरवेल से आप पानी भरते थे,
या एक कॉमन नल रहता था जिसमें आधा घंटा पानी आता था और महिलाएं हमारे पानी भरती थी। आप सबको याद है जो पुराने लोग हैं ऐसे ऐसे बोल रहे यस यस यस, पता नहीं मराठी में कुछ बोलते होंगे मगर मैं ये समझता हूं। तो इस तरह से मैंने लाइट दिया, घर घर तक पानी दिया और आज ये आप लोग अच्छे से यहाँ पर रह रहे हैं। अभी तो बहुत सारे झोपड़े जो थे, आप लोगों से ज्यादा मुझे ज्यादा खुशी होती है जब उसको आरसीसी में देखता हूँ, पक्का मकान देखता हूँ। आप लोग रहते हैं मकान में, मैंने वो झोपड़ा देखा है, मगर आज जब मैं उसको पक्का मकान देखता हूँ तो आपसे ज्यादा मुझे खुशी होती है। अब रही बात आपकी, जिस तरह से आज यहां पर सभा हो रही है, ओमी कालानी अगर चुन के आएगा, इसलिए बोला ओमी कालानी को चुना हुआ है ये सभा को देखते हुए, ये हकीकत है कि आप लोगों की अगर पूरी सपोर्ट मिलती है तो ओमी कालानी आपकी ताकत के ऊपर 100% चुन के आने वाला है। तो रखो उम्मीद आप लोगों की ताकत रहेगी साथ में। यह हकीकत है, अभी मनोज दासी ने जो बताया, मैंने भी जो आंखों से देखा हुआ है, मनोज दासी ने बताया कि कुमार से अगर कोई गोर गरीब आदमी हाथ मिलाता है तो गाड़ी में जाके सैनिटाइजर से अपना हाथ धोता है। ये मैंने मेरे आंखों से देखा हुआ है, यह हकीकत है। कुमार को एक ही मस्ती है दिमाग पे कि गोर गरीब लोगों को पैसे देकर के मैं चुनाव जीत के आऊंगा, और दो बार हुआ भी वैसा ही है। ज्योति कालानी कभी हारने वाली नहीं, शहर में इतनी सेवा करने के बाद पप्पू कालानी भी हारा था 2009 में, लोनावाला की वजह से, पैसा देने की वजह से, यह हकीकत है। मगर अब की बात ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे दिखता है। रखो उम्मीद कि अब की बार पूरी ताकत के साथ आप लोग ओमी कालानी के साथ में रहेंगे, बिल्कुल पक्का रहेंगे। एक ही आवाज आ रही है, बाकी सब की आवाज है ही नहीं, पक्का रहेंगे। मैं ये इलेक्शन के बाद में, क्योंकि ये भी हकीकत है कि मेरी मुझे जो सजा लगी थी हाईकोर्ट ने, ये सजा दी थी कि पप्पू कालानी की लाश जेल से बाहर आएगी, ऐसी सजा कभी किसी को नहीं लगी। एक लीडर को जिन्होंने गोर गरीब लोगों की सेवा की, मगर शाहूकार लोगों ने, बिल्डर लोगों ने मिलके ऐसी सजा दिलवाई कि पप्पू कालानी को अंदर भेजने के बाद उसकी सिर्फ लाश बाहर आएगी। मगर मैं आप लोगों के सामने फिट एंड फाइन खड़ा हूं, उसका कारण आप लोग हैं, उसका कारण गोर गरीब लोग हैं, चमत्कार लोग। आप लोग सुनते होंगे कभी कभी चमत्कार भी होता है, और पप्पू कालानी जो आपके सामने जिंदा खड़ा है वो भी अपने आप में एक चमत्कार है। हाईकोर्ट ने आर्डर दिया है कि पप्पू कालानी की सिर्फ लाश बाहर आएगी, मगर गोर गरीबों की दुआएं, आदमी को बददुआ लगती है तो दुआ भी तो लगती होगी ना, नहीं लगती होगी, लगती है। तो आप लोगों की, गोर गरीब लोगों की दुआएं, और ज्योति कालानी जो 2400 घंटा पूजाएं करती थी, उनकी पूजाओं ने और आप लोगों की दुआओं ने ये चमत्कार करके दिखाया। मैं आप लोगों के सामने 76 साल का आप लोगों के सामने फिट एंड फाइन खड़ा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कोई गोली लेता नहीं हूं, मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट नहीं है,
ये चश्मा पहनता हूँ क्योंकि कैमरामैन बोलते हैं कि चश्मा तुम्हारे चेहरे पे रहना चाहिए तभी अच्छा करते हो, अदरवाइज मुझे चश्मे की भी जरूरत नहीं। तो ये कारण सिर्फ ओमी को जो मैं बात कर रहा हूँ, भाषण कर रहा हूँ या दो शब्द बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को तो सुना रहा हूँ, मगर आपसे पहले मेरा ध्यान ओमी के तरफ है कि पप्पू कालानी उसका बाप क्या बोल रहा है गोर गरीब लोगों के लिए। तो यही है कि ओमी कालानी ने भी गोर गरीब लोगों की ज्वाइन लेनी है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, मैं एक सेवा आप लोगों को, क्योंकि मेरी तो लाश आनी थी बाहर, हाईकोर्ट ने ऐसा आर्डर दिया हुआ था, मगर मैं जिंदा मजबूत ताकत के साथ में आप लोगों के साथ में खड़ा हूं, तो बाकी जीवन मेरा आप लोगों के लिए ही रहेगा। मैं एक सेवा आप लोगों के लिए करने वाला हूं, ये इलेक्शन के बाद 10 दिन जाने दीजिए इलेक्शन सी, रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे किसी के भी घर में कोई बच्चा बीमार होगा या कोई बूढ़ा बीमार होगा या कोई भी घर में सीरियस होगा, गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है जेब में, रात को 2 बजे कहां डॉक्टर को ढूंढेगा, कौन लेके जाएगा उसको, कैसे काम चलेगा। मैं एक सेवा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जिंदा हूं आपकी दुआओं की वजह से, ज्योति कालानी की पूजाओं की वजह से। आज ज्योति कालानी हमारे साथ में नहीं, उसको मैं बहुत मिस करता हूं, तो वो मैं एक सेवा देने वाला हूं। आपका एक फोन कालानी महल में रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 7 बजे एक फोन आया, डॉक्टर MD और एम्बुलेंस के साथ आपके घर तक पहुंचेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं आगे का बिल कैसे पे करेंगे, बच्चा बीमार है, मैंने पहले ही बताया है कि लोग बीमारी से कम डॉक्टर के बिल से ज्यादा मर जाते हैं। ये सेवा मैं आप लोगों को देने वाला हूं, रात को 1 बजे 2 बजे या 7 बजे एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ में, एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ में आपके घर पे आएगी, वहां तक नहीं उसको हॉस्पिटल में लेके जाएगी, हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा और उसने उस वही टाइम पे चेकअप करना है और फिर आपकी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी। ये पप्पू कालानी की गारंटी है, पप्पू कालानी के ऊपर आप लोगों का विश्वास है। ऐसा नहीं कि पैसे की चिंता नहीं करनी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती है, जितनी भी महिलाएं या हमारे भाई या बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हर एक के लिए गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्कीम है पहले से ही, मगर आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को पप्पू कालानी बात कर रहे हैं, आप लोगों को घर बैठे हर एक घर में कौन सी स्कीम लागू हो सकती है गवर्नमेंट की, वो मैं आप लोगों तक, आप लोगों को दिलाने में पूरी मदद करूंगा। मेरा स्टाफ रहेगा एक एक घर में जाकर कि किसको कौन सी स्कीम फिट होती है, वो स्कीम आप लोगों को घर बैठे पप्पू कालानी, ओमी कालानी, कालानी परिवार आप लोगों को दिलवाएगा। ओमी कालानी अभी नया नहीं है, मेरे जेल जाने के बाद ओमी कालानी ने ज्योति कालानी के साथ राजनीति की हुई है, मेरे शब्द भी वो समझ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और किसकी ताकत, ये ताकत मेरे साथ में है, ये दुआएं मेरे साथ में है। मैं चाहता हूं कि यही दुआएं यही ताकत ओमी कालानी के साथ में भी रहेगी, ऐसे मैं आशा रखता हूं। तो ये बच्चा भी, जैसे पप्पू ने आपकी सेवा की है, आगे की पीढ़ी भी हमारी सेवा करेगी, ओमी कालानी हो या उसके बच्चे हो, नीव और गुरु दोनों भी आप लोगों की सेवा में रहेंगे, क्योंकि मालिक ने सब कुछ दिया हुआ है, तो हमको किसी चीज की अभी जरूरत नहीं है,
जब मैं पैदा हुआ था सेंट्रल हॉस्पिटल में, मैं पैदा हुआ था 51 में, तो मेरी मां बताया करती थी कि पप्पू जब तुम पैदा हुए थे मेरे पास एक रुपया नहीं था नर्स को देने के लिए। वो पोजीशन थी हमारी, गरीबी हमने बहुत देखी, मगर सब कुछ मिला तो कहां से मिला? यहां उल्लासनगर से मिला, तो किसके लिए खर्चा करना है हमको? उल्लासनगर वासियों के लिए खर्चा करना है। ये सब मैं आप लोगों के साथ में ओमी कालानी को भी सुनाना चाहता हूं। बहुत सारी बातें ओमी कालानी के दिमाग पे नहीं भी होगी, मगर हम लोगों का काम है संस्कार बच्चों को देना, और वही संस्कार ओमी सुनेगा, वही अपने बच्चों को संस्कार देगा। हमारी लाइफ जो है वो गोर गरीब लोगों के लिए ही रहेगी। ऐसे में ओमी कालानी को बताना चाहता हूँ, और मेरे दो शब्द पूरा करता हूँ। आप लोगों की दुआएं हमारे साथ में रहे, परिवार के साथ में रहे। अभी तक आप लोगों ने कहीं भी कमजोर नहीं होने दिया कालानी परिवार को। जेल में था 57,000-60,000 वोटों से आप लोगों ने एक बार नहीं दो बार चुन के दिया, एक बार नहीं दो बार चुन के दिया। जब मैं बाहर आया, शरद पवार जैसा आदमी जो हिंदुस्तान का नेता है वो कहता है पप्पू कालानी मेरे बाद में तुम्हारा नंबर सबसे ज्यादा वोट आप लेके आए हो, अगर तुम बाहर होते तो शायद मेरे से भी ज्यादा वोट आपको मिलते थे। ये आप लोगों की वजह से हमारी इज्जत हुई है। मैं ज्यादा अभी गला भी बैठने की बात करते करते गला भी बैठ रहा है, तो मैं आप लोगों की खाली एक बार ये बोलना चाहूंगा। एक बार बोलना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा आप लोगों की पूरी सपोर्ट, पूरी हेल्प, मदद, वोट ओमी कालानी के साथ में रहेगा। बिल्कुल तो रहेगा। चार लोगों की आवाज सुनूंगा, आठ लोगों की आवाज सुनी मैंने, बाकी लोगों का क्या? आपने जो 45 साल हम गौर गरीबों को दिया है पप्पू सर, सब लोग लास्ट तक हाथ ऊपर उठाएंगे और आप लोग गुजारी बजाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी ताकत से ओमी कालानी चुन के आएगा, इसका फर्ज है आपकी सेवा करना। सर आप शायद वो शब्द भूल गए हैं जो हम यहाँ के रहवासी को टेकरी के कोने से लेकर और लास्ट फर्स्ट गेट तक ये ऑर्नस की बाउंड्री के जो रहवासी आज के 24 साल पहले झेले हैं। क्या है? सरकारी शौचालय नहीं थे, लोग ऑर्नस में जाते थे, सुबह सुबह पुलिस का डंडा खाते थे। आज सुलभ शौचालय बनाकर उन चीजों से मुक्ति दिलवाई है शहर को, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। 2004 से यह योजना शुरू की, बीओडी सिस्टम पे सुलभ शौचालय बनाए गए, लोगों को ऑर्नस में डंडे खाने से मुक्ति मिली। ये जो बात चल रहा है, ऐसी हजारों बातें हुई है शहर के अंदर, मगर उसके लिए मैं एक नेता की जवाबदारी है, उसको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, उनको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, वो नेता की जवाबदारी है और हमने अपनी जवाबदारी निभाई है, बस। धन्यवाद। मैं इस सभा को समाप्त करने से पहले ओमी कालानी जी ने, पप्पू कालानी जी ने आप सभी लोगों को बताया तो आपके मन में सवाल होगा कि ओमी कालानी जी क्यों नहीं बोलते। मैं आप लोगों को बताऊं कि ओमी कालानी जी बात करने में कम विश्वास करता है और काम करने में ज्यादा विश्वास करता है, ऐसा हमारा। और जब 23 तारीख को आप दुकानी पर वोट दोगे तो हमको नेता नहीं हमको बेटा मिलेगा, हमको नेता नहीं हमारा भाई मिलेगा, हमको नेता नहीं हमको सुरक्षा मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जाते जाते तारों से जो टकराएगा
उसे तूफान कहते हैं। पहाड़ों से जो टकराएगा उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टकराएगा उसे राक्षस कहते हैं। और लास्ट शहर के भ्रष्टाचार के राक्षसों से जो टकराएगा उसे पप्पू कलानी और रोमी कलानी कहते हैं। आज सभी तमाम मेरे माता बहनों, आने वाले 20 तारीख को हम सुतारी पर रामकृष्ण हरे, पूरी तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे विशाल हजारी जी, दुर्गा राय जी, सुमित्रा सिंह जी, वीरू यादव जी, सुनंदा दाई पड़गरे, इसी के साथ साथ हमारे अर्मिला गोप्ता, राजेश सिंह, दुर्गेश श्रीवास्तव, हमारे सीनू बंडीपोला, तमाम साथी सुनील कदम, हरीश राय, हमारे कद्दावर नेता यहाँ के अखिला खान, गुड्डू राय, तमाम साथियों को मैं यहाँ पर आप तमाम साथियों से इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे नगर सेविका शुभांगी ताई निकम, इसी मेरी भाभी ताई में बोल रहा हूँ, मेरी भाभी है, मेरी भाभी शुभांगी निकम, इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन के लिए मेरी धर्मपत्नी जी अश्विनी निकम आप लोगों के घरों पर वापस एक बार आएगी। मैं भी कल आप लोगों के घरों पर वापस आ रहा हूँ। आप तमाम साथी मेरी माता और बहने, फिर एक बार कहूंगा कि तुतारी पवार साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, तुतारी पर दो नंबर बटन पप्पू कलानी के हाथ मजबूत करने के लिए, मेरे पिता समान आदरणीय ओमी कलानी के हाथ मजबूत करने के लिए, रामकृष्ण हरी राम।